बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 10। लेसन 10 है हमारा आवर यूनिवर्स। अब यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। ओके, ब्रह्मांड, ठीक है। चलिए अब आता है लेट्स बिगिन। जैसा कि आपको पता है लेसन स्टार्ट करने से पहले लेट्स बिगिन करते हैं। तो लेट्स बिगिन में देखिए आपको क्या करना है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द गिवन इमेजेस। आपको कुछ इमेजेस बने हैं, इस इमेज को देखकर आपको ये पजल कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे प्लैनेट होगा, मून होगा, सन होगा, अर्थ होगा, ठीक है, स्टार्स होंगे, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, फिर आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक द सन एंड द सोलर सिस्टम। सन मतलब आपको पता है और सोलर सिस्टम मतलब होता है सौर मंडल। ओके, तो देखिए द स्काई अबाउट द पास, जो हमारा ऊपर स्काई है, जो हमारा आकाश है, बहुत ही विशाल है। We see the sun, moon and stars in it. और हमें स्काई में क्या देखने को मिलता है? Sun, moon and stars. Okay? But there is an even bigger space beyond it, which we cannot see. लेकिन इससे आगे भी एक बड़ा स्थान है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते। It has planet and the satellites. और क्या है? Planets है, satellites है, astronauts है, comets है, and many more such bodies. Okay? All of these bodies, including Earth, Sun, Moon and star are called celestial bodies. इसको हम कौन से कहते हैं? ये सारे जितने भी हैं, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, ऑल दीज आर सेल्सियस बॉडीज। ओके, और हेवनली बॉडीज भी इन्हें कहा जाता है। ऑल द हेवनली बॉडीज टूगेदर फॉर्म अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है। ये हमारे यूनिवर्स का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो मिलियंस ऑफ स्टार हमारे पास देखने को मिलते हैं। द सन इज वन ऑफ दिस मिलियन ऑफ स्टार, और जिसमें से सन भी एक है। सन भी एक तरह से क्या स्टार है, ठीक है। द सन अलोंग विद ऑल द प्लैनेट फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। सन और पूरे प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स मतलब ग्रह होता है, ये सारे ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम, ठीक है। सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। आवर फिजिकल अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम में हमारा जो सन है, आवर फिजिकल अर्थ, अर्थ है, वो भी क्या वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है। आवर सोलर सिस्टम इज स्मॉलर पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, और ये हमारा यूनिवर्स का जो सोलर सिस्टम है स्मॉल पार्ट है। अब आता है द सन। द सन इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। इट इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, ये क्या बड़ा सा आपका गोला जैसे। इट गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। इससे हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है और एनर्जी मिलती है। विदाउट सन देयर वुड बी नो डे लाइट एंड आवर प्लैनेट अर्थ वुड बी डार्क एंड फ्रोजन। अगर हमें सन के बिना क्या है ना, नो डे लाइट, ना ही दिन होगी और ना ही आवर प्लैनेट अर्थ वुड बी डार्क एंड फ्रोजन, और हमारे अर्थ पे हर जगह क्या अंधेरा होगा। इसी सन की वजह से दिन होता है, हमें उजाला दिखता है, और अगर ये सन नहीं होगा तो हमें पूरा अर्थ पे अंधेरे अंधेरा दिखेगा। इफ देयर वाज नो सन, प्लांट्स वुड नॉट प्रिपेयर फूड एंड देयर वुड नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे और अर्थ पे कोई भी लाइफ, किसी की भी लाइफ नहीं होगी। अर्थ पे नो लाइफ ऑन अर्थ। ओके, द हीट ऑफ द सन हेल्प्स टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। जो सूरज की जो हीट है वो उसी की हेल्प से इस अर्थ पे हमारा लाइफ पे पॉसिबल है। सन गिव्स अस एनर्जी, सन से क्या मिलती है? एनर्जी। द एनर्जी इज नोन एज सोलर एनर्जी, और इसे कौन सी एनर्जी कहा जाता है? जो सन से हम एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी होता है। वी कैन यूज दिस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, और इस सोलर एनर्जी का हम यूज कुकिंग और ईटिंग के लिए करते हैं। इससे रिलेटेड आता है लेट्स ट्राई वन। इसमें बोला है इमेजिन द सन कैन टॉक, राइट 5 sentences ऑन व्हाट वी कुड से अबाउट सन एंड द वे इन व्हिच इट हेल्प्स अर्थ ड्रॉ द सन, ठीक है। तो इस लेट्स ट्राई वन को आपको खुद कंप्लीट करना है। इसको आपको इमेजिन करना है कि सन कैन टॉक, सन जो है बात कर सकता है, राइट 5 sentences ऑन व्हाट इट कुड से अबाउट, और आपको सिर्फ 5 sentences वो लिखना है कि सन अपने बारे में 5 sentences क्या बोल सकता है, ठीक है। एंड द वे इन विच इट हेल्प द अर्थ ड्रॉ द सन, आप लिख सकते हो सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, ठीक है, इट द सन गिव्स अस एनर्जी। तो आपको इसमें 5 sentences ये इमेजिन करके लिखना है कि आप सन जो है अपने बारे में क्या लिखे, क्या बोलेगा, ठीक है। प्लैनेट्स मतलब क्या होता है? ग्रह होता है। सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह और
उपग्रह होता है, एस्ट्रॉइड्स मतलब छोटा तारा होता है, और कमेट्स मतलब धूमकेतु मतलब टूटता हुआ तारा। अब आता है व्हाट इज अ प्लैनेट, व्हाट इज अ प्लैनेट, ठीक है। अ प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट विच मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ दैट मींस इट चेक और काइंड ऑफ रोड ऑन विच इट मूव्स, ठीक है। ये क्या है, एक प्लैनेट क्या होता है, लार्ज होता है और राउंड ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, राउंड ऑब्जेक्ट होता है विच मूव अराउंड द सन, जो सन को सन के चारों तरफ घूमता रहता है और फिक्स्ड पाथ पे, फिक्स्ड पाथ पे घूमता रहता है, फिक्स्ड पाथ पे, ठीक है। दैट मीन्स इट हैज अ ट्रैक, यह एक ट्रैक या एक तरह की सड़क है जिस पर यह चलता रहता है, ट्रैक एक तरह की सड़क की तरह पे ये चलता रहता है, ठीक है, फिक्स पाथ पे। द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, और उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट मतलब परिक्रमा। देयर इज एट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है, एट। These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, ठीक है। They all move around the sun and are at different distance from the sun. ये जितने भी एक हमारे planets हैं, eight planets हैं, ये क्या है, अब sun के मतलब they all move around the sun, ये पूरे sun की तरफ move करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, एंड आर डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम, और इनकी जो डिस्टेंस होती है वो सन से दूर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होती है, मतलब किसी की थोड़ी दूर किसी की दूर, मतलब सबकी अलग अलग डिस्टेंस होती है, ठीक है। सम आर क्लोजर टू द सन व्हाइल सम आर फार, अब क्या है, किसी की दूरी सन से पास होती है और किसी की दूरी सन से दूर होती है, इस सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये प्लैनेट है, आप देखिए आप बुक में देखिए, ये दिया सन दिया है, ये मर्करी वेनस मार्स, अब ये देखिए ये क्या है, अब ये देखिए गोल 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 ये राउंड करते रहते हैं, अब सन से कुछ प्लैनेट्स पास है, कुछ जैसे ये नेपच्यून है, ये देखिए यहाँ पे है, ये सैटर्न है, मार्स है, जुपिटर है, तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, ओके। अब आता है द अर्थ, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जिसपे हमारी लाइफ है। If we see a picture of planet Earth taken from space, it looks like a ball which is blue gray in color. अगर आप अंतरिक्ष से ली गई ग्रह पृथ्वी की तस्वीर देखे, अगर आपने जो पृथ्वी की अगर आप स्पेस से अगर देखे अर्थ की फॉर्म अर्थ की ये तस्वीर, तो क्या taken from, it looks like a ball which is bluish green in color, तो आपको कैसा दिखेगा, bluish green color का दिखेगा, ठीक है। Therefore the earth is also called blue planet, और अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर आपने अर्थ की जो पिक्चर अगर आप देखेंगे, जो आपने स्पेस से लिया है, स्पेस मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष से ली गई हो, कहां से ली गई, अंतरिक्ष से ली गई हो, तो ये आपको कैसा दिखेगा, bluish green color का दिखेगा, ठीक है। Therefore the earth is also called blue planet, इसलिए अर्थ को blue planet भी कहा गया है। It is slightly flatter at the top and the bottom and it bulges out of the center like an orange, और ये क्या, it is slightly flatter at the top, अगर इसका टॉप वाला देखोगे, जैसे ये देखिए बुक का बना है, अगर आप इसका टॉप देखोगे तो ये क्या है, slightly flatter है, मतलब थोड़ा सा चपटा होगा, ठीक है, थोड़ा सा चपटा होगा टाइप का है, ओके। एंड बॉटम, अगर बॉटम की बात की जाए तो एक बॉटम में क्या है, बॉटम तो थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है, बल्जेस आउट एट द सेंटर लाइक एन ऑरेंज, और किस तरह का, लाइक एन ऑरेंज कलर का, ओके। अर्थ वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो तुम्हारा बना था, एट दैट टाइम इट वॉज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस, उस समय क्या था, उस समय क्या था, ये हॉट बॉल ऑफ गैसेस थे, ठीक है, हॉट बॉल ऑफ गैसेस मतलब आपका जो भी हॉट गैसेस होती हैं बॉल ना, उस टाइप उस समय उससे ये बने थे, ठीक है, एट इट वॉज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस, उस समय की बात की गई, ठीक है। विद टाइम, इस समय की बात की, इट कूल डाउन, इस समय के साथ ये ठंड हो गया, समय के साथ ये क्या हो गया, ठंड हो गया, ठीक है। इसके माउंटेन वैलीज केन्स प्लेन एंड सो मच मोर वेल फॉर्म्ड, क्योंकि अब क्या ये हमारे बहुत कुछ, अब तो बहुत सारे बहुत कुछ बन गए हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गए, कैनोन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सब बन गया, तो इसकी वजह से क्या है, अब ये कूल डाउन हो गए हैं, ओके। अप्रोक्सिमेटली 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, 3/4 अर्थ का सर्फेस किससे कवर्ड है हमारा,
वॉटर से, किस किस फॉर्म में, ओशियन एंड ओशियंस के फॉर्म में, ठीक है। एंड 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड, ठीक है। क्या है 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, 1/4 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है, अर्थ का सरफेस हमारा लैंड से, जिसपे वेयर वी लिव, जहां पे हम रहते हैं। दिस सरफेस लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, वो हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। देयर इज अ लेयर ऑफ एयर विद सराउंड द अर्थ वी कॉल एन एटमोस्फेयर, मतलब हवा की एक परत है, तो हवा की एक परत होती है जो पृथ्वी को घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दिया है देयर इज अ लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ विच कॉल इज देयर एटमोस्फेयर, मतलब हवा की एक परत है, ठीक है, परत लेयर मतलब परत होता है, परत है जो पृथ्वी को घेरती है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये जैसे देखिए पिक्चर दिया है, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर अर्थ, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण भी होता है, वायुमंडल होता है। अब आता है इससे रिलेटेड आपका आता है लेट्स ट्राई टू, लेट्स ट्राई टू में राइट नंबर ऑन दिस प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप देखिए आपको इसमें सन से डिस्टेंस, ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं इसको आपको इनका डिस्टेंस बताना है, इससे कंपेयर करके सन से, कि सन से इनका डिस्टेंस कितने नंबर पे है, ठीक है। आपको इसमें नंबरिंग करनी है, ओके। तो जैसे देखिए यहाँ मरकरी 1 नंबर पे है, तो मैंने पिक्चर में देखिए मरकरी ये सन है, और सन की देखिए सन के पास मरकरी है, ठीक है, मरकरी है, वेनस, अर्थ, मार्स, ये देखिए लाइन से जो ये प्लैनेट्स बने, तो ठीक इसी इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको उस प्लैनेट पे नंबरिंग करनी है कि सन से इनका डिस्टेंस कितने नंबर पे शो करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए मरकरी 1 नंबर पे है, वेनस 2, 4, मार्स 5, जुपिटर 3, अर्थ यूरेनस 7, नेपच्यून 8 एंड सैटर्न 6, ओके। अब अर्थ स्पीक, सपोज योर मदर अर्थ, सपोज करना क्या है आपको, राइट अ शॉर्ट एंड 5 पॉइंट अबाउट द अर्थ टू हाईलाइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेवन, आपको सपोज करना क्या है तो, और आपको कुछ अर्थ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है, ओके। तो आप बता सकते हो आई एम अर्थ, आई एम अ थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट हूं, क्योंकि देखिए अर्थ का क्या है, थर्ड है, थर्ड नंबर है, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो, ये देखिए सोलर सिस्टम में देखिए मरकरी, वेनस और थर्ड नंबर पे क्या है, अर्थ है, सोलर सिस्टम पे ही थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है, ठीक है। तो आई एम थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, आई एम द ओनली प्लैनेट दैट इज लाइफ, मैं एक ऐसा प्लैनेट हूं जिसपे सब लोगों की लाइफ है, क्योंकि अर्थ पे ही तो हम रहते हैं। इफ यू सी मी फॉर स्पेस, अगर आप मुझे स्पेस से देखोगे, आई विल लुक ब्लूइश ग्रीन इन कलर, अगर आप मुझे मतलब स्पेस से देखोगे, अंतरिक्ष स्पेस मतलब अंतरिक्ष होता है, वहां से देखोगे तो आई विल लुक ब्लूइश ग्रीन इन कलर, मैंने अभी आपको बताया था। मोस्ट ऑफ माई सर्फेस कवर्ड विद वॉटर, मेरा जो आधा ज्यादा सर्फेस किससे कवर्ड है, वॉटर से। आई हैव माउंटेन्स, प्लेन्स, वैली, सी, रिवर एंड पॉन्ड ऑन माई सर्फेस, ओके। सर्फेस मतलब क्या होता है बेटा, धरातल और सतह, ठीक है। अब बेटा ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे, इस 4 टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पर्सनली या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नाउ थैंक यू क्लास।